नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनस्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ सगड़ी तहसील क्षेत्र के विभिन्न नदियों और सरोवरों पर छठ पर्व और सोमवार सुबह उगते ही सूर्य को व्रती महिलाओं ने अर्घ दिया। तो वहीं जिलाधिकारी सगड़ी ने क्षेत्राधिकारी नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें तो सोमवार को सरोवरों व नदियों पर तट सुबह 3 बजे से ही व्रती महिलाओं व उनके परिजनों द्वारा सर पर दौरी रखकर सरोवरों की तरफ कदम बढ़ गए, जहां लोगों की अपार भीड़ जुट गई। इस दौरान व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। वहीं पोखरे पर उत्सव जैसा माहौल भी रहा। सुबह सुबह गाजा बाजा के साथ छठ पर्व पर धूमधाम के साथ अजमतगढ़ व जियनपुर कोरिया पार पोखरों पर पानी अधिक होने के बावजूद जगह जगह बैरिकेटिंग करके खतरे का सिंबल लगा दिया गया था एवं महिला पुलिस व पुलिस फोर्स जगह जगह तैनात रहे एवं अधिकारियों के निर्देश पर गोताखोरों और इलेक्ट्रीशियन भी मौजूद रहे। सोमवार की सुबह जिलाधिकारी सगड़ी अतुल गुप्ता, क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला व नगर पंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव के साथ छठ पर्व पर व्यवस्था व साफ सफाई के साथ सुरक्षा का निरीक्षण किया गया। तो आजमगढ़ के गोगा सा, भीखी सा, पोखरा, झारखंडी महादेव मंदिर पोखरा की बावड़ी, पक्की बावड़ी, ताल सलोना पर डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया। आपको बता दें घाघरा एवं छोटी सरयू के तट पर महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। क्षेत्र के कछड़ा, आईमा, मुस्लिमपुर, अंजान, शहीद बाजार, गोसाई, चांदपट्टी, लाटघाट, जमसर, रामगढ़ सहित सगड़ी तहसील क्षेत्र के छठ पर्व पर धूमधाम व शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान जियनपुर कोतवाल विवेक पांडे, जियनपुर अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव, नगर पंचायत अजमतगढ़ अध्यक्ष प्रतिनिधि अजय साहनी, अधिशासी अधिकारी अमित यादव, आलोक सिंह, अमित पटवा, राहुल कुमार, मनोज वर्मा, मनोज यादव, ज्ञानेंद्र मिश्रा, मनोज जायसवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष चौरसिया सहित नगर पंचायत के कर्मचारी व जियनपुर अजमतगढ़ नगर क्षेत्र के निवासी मौजूद रहे।